ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तन्मय अग्रवाल और हमारी वीडियो सीरीज स्टोरिस्तान किस्से कामयाबी के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे छत्तीसगढ़ी फिल्मों के मशहूर अभिनेता करण खान जी से, जो इनका रियल नेम है वो है सैयद ताहिर अली खान, और अब आपके सामने हैं। करण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी दर्शकों को मेरा जय जोहार, नमस्कार, आदाब। आपसे जो पहला सवाल है वो यही है कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आपका आना कैसे हुआ? इत्तेफाक था या सोची समझी साजिश थी? नहीं नहीं, देखिए ऐसा बहुत कम होता है कि हम जो चाहते हैं हम उसको अचीव कर पाएँ जी। 99% लोगों के साथ ऐसा हो नहीं पाता है, और मैं इस मामले में अपने आप को बिल्कुल खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैंने चाहा था कि मैं फिल्मों में हीरो बनूँगा, और मैंने उस दिशा में मेहनत की और मैं छत्तीसगढ़ी फिल्मों में हीरो हूँ। और ये मैंने उस वक्त सपना देखा था जब छत्तीसगढ़ी फिल्में बना नहीं करती थी। अच्छा। यानी बचपन से मुझे शौक था कि मैं अभिनय करूँगा, मुझे हीरो बनना है। एक अजीब सा एक जुनून छाया हुआ था। पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म मेरी थी मोर गवई गाँव। अच्छा। मोर गवई गाँव फर्स्ट फिल्म। और ये कैसे मिली थी, इसके पीछे कुछ स्ट्रगल था या आसानी से मिल गई थी? बहुत लंबा स्ट्रगल है, बहुत लंबी संघर्ष की दास्तान है। मेरी लड़ाई हमेशा जो है मेरे मुकद्दर से होती रही है। अच्छा। मेरी तकदीर से जो है, क्योंकि जो आसानी से मिल जाए मुझे उसकी ख्वाहिश नहीं है। क्या बात। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में है ही नहीं। इस लाइन को फॉलो करते चला आ रहा हूँ। और एक वक्त था जब फिल्मों में मैं आना चाहता था, मगर छत्तीसगढ़ में तो फिल्में बनती नहीं थी। मेरा सपना था कि मैं मुंबई जाऊँगा और मुंबई जा करके हिंदी फिल्मों में अपना अभिनय दिखाऊँगा, लेकिन जाना कैसे है, रास्ता क्या है, किस जरिए से मैं जा पाऊँगा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो मेरा एक बहुत ही अजीज़ दोस्त था, वो मुझे एक बार पकड़ कर ले गया कि भाई चल तू एक थिएटर प्ले, यहाँ ग्रुप है इप्टा भारतीय नाट्य संघ, वहाँ चल। तो मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मेरे वहाँ मुझे गुरु के रूप में मिले मिन्हाज असद, उन्होंने मुझे अभिनय की बारीकियाँ सिखाई। मैंने लगातार सतत संघर्ष किया रंगमंच पर, बहुत सारे प्लेस किए, बहुत सारे नाटक अलग अलग किया मैंने। नाटकों को लेकर के हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं, मतलब भारत के कई हिस्सों में गए, मुंबई तक गए। अच्छा। और बड़ी बड़ी हम लोगों ने प्रस्तुतियां दी। उसी वक्त छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ और छत्तीसगढ़ी फिल्म बनी, मोर छैया भुइयां फिल्म बड़ी सफल हुई। मैंने देखा यार सपना तो मेरा था हीरो बनने का, फिल्में तो बनने लग गई, ये कौन लोग आ गए। तो मैं इस दिशा में फिर मैंने कभी काम मांगने के लिए हाथ नहीं जोड़ा। अच्छा। मैं कभी किसी के पास जा करके, मैं हमेशा जाके मैंने ये कहा कि भाई देखिए आप फिल्म बना रहे हैं, अगर आपकी फिल्म में आप अपने किसी दोस्त को, बेटे भाई को, भतीजे को हीरो ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं ले रहे हैं, अगर आपके फिल्म का हीरो मेरी शक्ल सूरत मेरे कदकाठी के अनुरूप है तो आप मेरा स्क्रीन टेस्ट लीजिए, आप जो चाहेंगे मैं उससे ज़्यादा करके दूंगा। और इस तर्ज पे मैंने लगातार स्क्रीन टेस्ट दिया, कई जगह रिजेक्ट हुआ, कई जगह फिल्में नहीं बनी, कई जगह ऐसा हुआ कि दो दो ढाई ढाई सौ लोगों के पीछे खड़े होकर धीरे धीरे जो है मैं आगे जाता हूँ, फिर मेरा नंबर आता है, फिर स्क्रीन टेस्ट देता हूँ। इस रास्ते से बढ़ करके फिर मुझे मोर गवई गाँव फिल्म में बतौर हीरो काम मिला। फिर मोर गवई गाँव है और आज है, मैं वहाँ से लेके लगातार कंटिन्यूस फिल्में कर रहा हूँ, एल्बम्स कर रहा हूँ। तो अब तक कितनी फिल्में कर चुके हैं? मेरी लगभग 45 फिल्में हो गई हैं। अच्छा। और एल्बम्स? एल्बम्स में मैं 2500-3000 के आसपास मैंने गाने किए हैं। 2500 से 3000 गाने किए हैं। और छत्तीसगढ़ में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि लगभग जितने सुपर हिट गाने छत्तीसगढ़ी हम सुनते हैं उनमें से 50% गानों में मैंने परफॉर्म किया है। करण जी से गाने सुनेंगे हम वक्त के साथ, अभी फ़िलहाल जो है बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद एक गाना भी सुनेंगे। करण जी, एक सवाल, फैमिली बैकग्राउंड मजबूत रहा है या कैसा है? देखिए मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे फादर बहुत ही ज़हीन और बहुत ही कहना चाहिए कि तालीम याफ्ता पढ़े लिखे एक ADIS थे। अच्छा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। मेरे दादा नायाब तहसीलदार थे रायपुर में। अच्छा। तो फैमिली बैकग्राउंड तो बहुत ही ज़्यादा जो है पूरी तरीके से सब सर्विस वाले रहे हैं। मुझे अभिनय का शौक हो गया,
लेकिन बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि जब मैं 6 साल का था तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, डेथ हो गई उनकी। वालिद यानी पिताजी? पिताजी, मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। और मेरी मम्मी पूरी तरह से हाउसवाइफ थी, आज भी मम्मी का साया मेरे सर पर है। वो एक सीधी साधी एक महिला है जिनको घर के बाहर की कोई दुनिया का कुछ जानकारी ना कल थी ना आज है। अच्छा। वो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल का टाइम आया था जब मैं बहुत छोटा था। मालिक को पता नहीं क्या मंजूर था जो उसने बचपन में मुझे वो तमाम चीज़ें दे दी जो जीवन भर अनुभव की तरह जिसको पलटा करके हम पढ़ते हैं और वो काम आ जाता है। तो मेरे बड़े भाई, हम लोग 5 भाई हुआ करते हैं, तो मेरे बड़े 4 भाई, मैं 5वें नंबर का हूँ। अच्छा। उन लोगों ने बड़ा स्ट्रगल किया, बहुत स्ट्रगल किया, मेरे बड़े भाई साहब और किसी रिश्तेदार ने कोई मदद नहीं की। वो वक्त ऐसा था, बहुत बुरे हालात थे हमारे, घर में खाने को नहीं हुआ करता था। जबकि वालिद साहब के रहते में हमारे घर में 9-9 चपरासी हुआ करते थे। अच्छा। तो ऐसा ज़बरदस्त परिवर्तन आया था वालिद साहब के एक्सपायर होने के बाद में कि घर में हमारे बड़े भाई साहब जो हैं वो जूते चप्पल का ठेला लेकर के रायपुर शहर में कॉलेज में पढ़ते थे और उसी कॉलेज के सामने से जूता ले लो ऐसा चिल्लाते हुए वो जूता बेचा करते थे। जब भी उसे याद करते हैं तो रोना आता है। वो ये सोचा करते थे कि यार एक जोड़ी जूता बिक जाए ताकि घर में मैं रात के अपने छोटे भाइयों को अपने परिवार वालों के लिए मैं सब्जी ले जा सकूं, घर में कुछ खाना बन सके। तो ये स्ट्रगल हम लोगों ने देखा। क्या आपने भी इस तरह का कोई काम किया है बचपन में? मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ। मेरे बड़े भाइयों ने, मेरी अम्मी ने मुझे बिल्कुल फूल की तरह रखा, कभी मुझ पर प्रेशर नहीं बनाया कि आप जा कर के पैसे कमा करके लाइए। अच्छा। अम्मी का हमेशा से ये कहना रहा कि बेटा आपको जो अच्छा लगता है वो करो, जहाँ आपकी रुचि है आप वहाँ जाओ। और बचपन से मेरा शौक था अभिनय में। टीवी में जब फिल्में आती थी तो उसमें हीरो हीरोइन का जो एक्सप्रेशन होता था वो इधर सामने मैं बैठ कर देख रहा होता था, मेरा होता था। तो घर वाले बताते हैं कि घर वाले जो हैं वो टीवी की बजाय मुझे ज़्यादा देखा करते थे। अच्छा। ज़िंदगी की पहली कमाई कितने रुपए की थी और किससे मिली थी वो? मैंने मोरगवई गांव जो फिल्म की थी उसमें तो मुझे कोई लेन देन हुआ नहीं था। अच्छा। उस फिल्म के करते में ही फिल्म के जो कैमरामैन थे दिनेश ठक्कर साहब, उन्होंने मुझे 125 का साइनिंग अमाउंट दिया था। अच्छा। ये बोल के अगली फिल्म मैं तुम्हारे साथ कर रहा हूँ, फिल्म का नाम रहेगा जरा थे जिया मोर। जरा थे जिया मोर? हाँ, जरा थे जिया मोर। इस फिल्म में मेरे साथ मेरे दोस्त की भूमिका शक्ति कपूर ने भी निभाई थी। हम लोगों ने मुंबई जाके इसकी शूटिंग की थी। अच्छा। ये फिल्म भी फ्लॉप रही। ओके। इत्तेफाक से मेरी पहली फिल्म भी पिटी, दूसरी फिल्म भी पिटी। उसके बाद फिर मैं तोरमाया के मारे फिल्म मिली मुझे। तोरमाया के मारे फिल्म में मुझे कुछ 21-22 हज़ार रुपये कुछ अमाउंट मुझे मिले थे उस फिल्म के। तो ये मेरी पहली कमाई थी और इसको बिल्कुल पैसों को ले जा करके मैं सबसे पहले अपनी अम्मी को मैं बोला कि अम्मी मैं आपके लिए गोल्ड का एक कंगन खरीदूंगा। अच्छा। तो क्योंकि बड़ा हम लोगों ने बहुत गरीबी देखी जी और बहुत ज़्यादा पैसों की इच्छा ना पहले थी ना आज है ना भविष्य में भी नहीं होगी। लेकिन गरीबी ने ये सिखा दिया कि ज़िंदगी में पैसा बहुत महत्वपूर्ण होता है और वक्त जब बुरा आता है तो अपने ही साथ देते हैं। वो एक फिल्म आई थी धर्मेंद्र की जिसमें गाना था कि अपने तो अपने होते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट लाइन है। और घर वालों का प्यार, स्नेह और घर वालों का सपोर्ट रहा जो मैं इस विपरीत स्थिति में भी छत्तीसगढ़ी फिल्मों में, जबकि फिल्में बनना चालू हो चुकी थी, मैं बचपन से चाहता था मुझे हीरो बनना है मगर मुझे किसी ने उठा करके भाई साहब हीरो नहीं बनाया। पहले जो स्टारडम मिला, हाँ, नाम चला, वो कौन सी फिल्म से चला? देखिए वो तोरमाया के मारे फिल्म जो है वो बहुत बड़ी सफल फिल्म थी। अच्छा। प्रेमचंद्राकर जी इस फिल्म के निर्देशक थे और इस फिल्म से ही मेरा नाम भी ताहिर से करण हुआ। हाँ, ये भी ये जो कहानी है जानना चाहेंगे कि ताहिर से नाम करण कैसे हुआ? तोरमाया के मारे फिल्म में मेरे पात्र का नाम था करण। अच्छा। और जब हम इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तो दर्शकों का ये एक व्यू आता था कि शूटिंग के चलते में कि वो करण जो बना है खान जो लड़का है वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। तो अच्छा। इस तरह से एक कुछ लोग करण खान का एक नाम दे रहे थे। तो फिर हम लोगों ने चर्चा किया, चंद्राकर साहब ने, भूपेन साहू जी ने, मैंने, और उनका कहना आया कि भाई क्यों ना हम नाम इसमें तुम्हारा चेंज करें। मैं बोला यार ये तो बड़ी बात है नाम चेंज। तो मैं घर पे फिर जाकर के सलाह किया अपने बड़े भाइयों से, अपनी अम्मी से,
तो मेरे बड़े भाई साहब ने कहा कि देख ताहिर, दिलीप कुमार साहब का नाम यूसुफ खान है, अगर तू सफल हो जाएगा तो लोग खोज खोज के पता करेंगे तेरा असली नाम क्या है। तो नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो नाम आ रहा है, जो पब्लिक का दिया नाम है, उसको तू सहर्ष स्वीकार कर और आगे बढ़। असफल हो जाएगा तो कोई बात ही नहीं। और आप देखिए, जो कि करण खान जी ने बात कही कि बड़े भाई ने कहा था कि अगर सफल हो जाएगा तो लोग खोज खोज के पता करेंगे कि नाम क्या था, और आज स्टोरिस्तान के इस प्लेटफॉर्म पर हम भी पूछ रहे हैं कि भैया ताहिर खान से करण खान क्यों हुए। तो बड़े बुजुर्गों की बातों में वाकई दम होता है। बिल्कुल। इसके बाद जो जीवन की गाड़ी चली तो लगातार सक्सेस मिलती रही या बीच में फिर डाउनफॉल आया? बहुत असफलताओं और सफलताओं के साथ मेरा जीवन चल रहा है, और सफलता की कुंजी ही असफलता होती है, ऐसा हमने पढ़ा भी है और ये बिल्कुल सच बात है। मेरे साथ भी वो चीज़ें होती रही। मुझे किसी ने उठा करके हीरो नहीं बनाया। मैं चलते फिरते घूमते फिरते कहीं जा रहा हूँ और किसी को अपनी फिल्म का पात्र के हिसाब से मैं दिखा और उसने मुझे हीरो बना लिया, ऐसा नहीं है। मैं संघर्ष किया, जो चीज़ चाहता था उस चीज़ को पाने के लिए लगातार प्रयास किया, मालिक ने साथ दिया, मैंने मेहनत किया, अम्मी की दुआएं रहीं, दर्शकों का प्यार मिला, तोरमाया के मारे फिल्म बड़ी सफल हुई। फिल्म 80 दिन चली। अच्छा। कई जगह 50 डेज चली। सब तरफ नाम हो गया कि यार एक नया हीरो आया है करण खान, और बड़ा लोगों ने मुझे प्यार दिया। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि तोरमाया के मारे के बाद से सेलोलाइट फिल्में, जो रील पे फिल्में बनती थी, वो फिल्में बनना ही बंद हो गई। मेरे पास 5 नई फिल्मों का साइनिंग अमाउंट पड़ा हुआ था, मैंने 5 नई फिल्में साइन की हुई थी, लेकिन सब लोग जो है वो एल्बम का एक नया दौर आ गया था और सीडी और डीवीडी सीडी का एक दौर आया था, तो सब जो है वो एल्बम्स की तरफ भाग रहे थे। तो जो मेरे फिल्म बनाने वाले निर्माता थे, उन लोगों ने भी बोला कि यार अभी हम जो है एल्बम बनाएंगे, तो आपको जो पैसा दिए हैं उस पर हम एल्बम करेंगे। तो मैंने बोला चलो जो सामने आए उसको स्वीकारा जाए, और मैंने फिर एल्बम की दुनिया में कदम रखा। मैं गायक नहीं हूँ, मैं बतौर अभिनय एल्बम में लगातार परफॉर्म किया, बहुत सारे एल्बम करता गया, लगातार एल्बम्स चलते रहे। फिर धीरे से वक्त बदला और हमने एक फिल्म की, तीजा के लुगरा। तीजा के लुगरा ऐसी फिल्म थी जो समझ लीजिए कि डिजिटल युग की जो हॉलीवुड में शुरुआत हुई है वो तीजा के लुगरा फिल्म से ही हुई है, प्रॉपर वे में। अच्छा। उसके पहले रील में फिल्में बना करती थी। जब तीजा के लुगरा की हम शूटिंग कर रहे थे तो बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि यार ये लोग तो कोई वीडियो फिल्म बना रहे हैं, लेकिन तीजा के लुगरा फिल्म बनी और फिल्म सिनेमाघरों में लगी। नागपुर में फिल्म ने 58 डेज का रिकॉर्ड बनाया नागपुर में, तो फिल्म बड़ी सफल रही। तीजा के लुगरा के बाद से हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो हमारी है ये एक नई दिशा में चल पड़ी। यहाँ डिजिटल का एक दौर चालू हो गया। अच्छा। और वो सतत आज तक जारी है, लगातार चल रहा है। मेरे पास लगातार बहुत सारी अच्छी और बुरी फिल्में आती गई, और मैं अक्सर फिल्मों को बहुत सोच समझ के एक्सेप्ट करता हूँ, स्क्रिप्ट सुनता हूँ, फिल्म का थॉट देखता समझता हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि ये फिल्म बड़ी हिट होगी और वो फिल्म औधे मुँह गिर जाती है। अच्छा। तो ये असफलता और सफलता का दौर तो चल ही रहा है। एजुकेशन क्या रही है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन किया है, स्कूल मैंने माधवराव सप्रे से अपनी पूरी की थी, रायपुर के माधवराव सप्रे क्रमांक 1 बुढ़ापारा, और स्कूल के बाद मैंने फिर प्राइवेट पढ़ाई चालू कर दी। प्राइवेट मैंने कॉलेज का की शक्ल आपने नहीं देखी? नहीं, मैं नहीं देख पाया। मैं ये मान लीजिए कि कॉलेज के वक्त पे मैं स्कूल 12th में था, तब से मैं रंगमंच में जो भिड़ा, तो फिर ऐसा होता था कि रात रात के 2-2, 3-3 बजे तक के मुझे मैं अपने नाटकों में डूबा रहता था। स्कूल टाइम में किसी टीचर से कोई मार वगैरह पड़ी, मतलब कोई यादगार किस्सा है जो फिल्मों में वगैरह में भी ट्राई किया हो आप लोगों ने? नहीं, देखिए मैं बहुत ज़्यादा शाही, बहुत संकोची रहा था। अच्छा। स्कूल के वक्त में, स्कूल में अक्सर ऐसा होता था कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी के मौक़ों पर कुछ प्रोग्राम्स हुआ करते थे तो स्टूडेंट्स अपना नाम लिखाते हैं, मगर मैं अपना नाम नहीं लिखाता था। मैं कर तो सकता था, मेरे को शौक भी रहता था, लेकिन मैं बड़े डर के मारे अपना नाम नहीं लिखाता था। जब परफॉर्म करते हुए उन लोगों को देखता था तो मुझे बड़ा अफसोस होता था कि यार इससे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ। अच्छा। तो स्कूल में मैंने कोई शरारत नहीं की, मैं बहुत सीधा साधा सीधे रास्ते पर चलने वाला। तो ये जो संकोची स्वभाव का व्यक्ति था वो अचानक फिर एक्टर कैसे बना? नहीं, मैं संकोची आज भी हूँ। अच्छा। संकोची आज भी हूँ, और
लेकिन शौक मेरा ऐसा था जिसमें पब्लिक को फेस करना था। और मेरा अपना ऐसा मानना है सर कि एक कलाकार को संकोची ही होना चाहिए, और उससे यह होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आते हैं कभी भी। आज भी मैं जब किसी मंच पे चढ़ता हूँ, आज भी जब मैं किसी भी फिल्म की शूटिंग में जाता हूँ और कैमरा सामने होता है, तो मैं बहुत घबराया हुआ सा रहता हूँ कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं, और एक संकोच मन में रहता है। शायद इस वजह से मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ और शायद इस वजह से मैं उसको परफेक्ट, जैसा कि लोग कहते हैं परफेक्ट शॉट, हाँ वो ओके आ जाता है। अच्छा, करण खान जी को अब तक कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया होगा? किया तो होगा, वो माइक वीडियो के सामने आप बोले ना बोले वो अलग मुद्दा है। नहीं देखिए, मैं विवाहित हूँ, मेरी बहुत प्यारी सी घर में पत्नी है, मेरी दो छोटी छोटी बेटियाँ हैं। अच्छा, और क्या नाम है बच्चों का? अनाबिया है और अरौश। बड़ी बेटी का नाम अनाबिया और छोटी का नाम अरौश है। इसका अर्थ क्या होता है, क्योंकि बहुत दिलचस्प नाम है, मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। अनाबिया का मतलब होता है जन्नत का दरवाज़ा। अच्छा, और अरौश का मतलब होता है जन्नत का फूल। क्या बात है। तो ये दोनों नाम मेरी अम्मी ने रखा है। बहुत बढ़िया। तो शुरू से ही फोकस मेरा सिर्फ और सिर्फ काम पे रहा। बड़ी बड़ी हीरोइनें आईं, बहुत सारी हीरोइनों के साथ मैंने परफॉर्म किया, और लेकिन आप रिकॉर्ड उठा करके देख सकते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करता रहा। बहुत सारे दोस्त अक्सर शुरू में जब हम किया करते थे तो ये बोलते थे कि यार हीरोइन के साथ गाना करते हो बड़ा मज़ा आता होगा, शूटिंग करते हो बड़ा मज़ा आता होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली होता यह है कि कैमरा लगा होता है, भीड़ सामने होती है, हमारे को लंबी चौड़ी लाइंस मिली होती है, हम मेकअप में होते हैं, हम पूरा टेंशन रहता है कि हमको ये लाइन करना है। कोरियोग्राफर अपनी कुछ अलग मूवमेंट भी दे देता है, कैमरामैन अपनी कुछ ब्लॉकिंग दे देता है, भैया यहाँ चलना इधर देखना है, डायरेक्टर आके कुछ और बता देता है। तो इन तमाम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमको सीन करना होता है। बाद में हम घर जाने के बाद हम सोचते हैं कि अरे मैं तो फलानी हीरोइन के साथ था। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो टेक्स हुए होंगे किसी शॉट के लिए, किसी फिल्म के लिए, वो कौन से हुए होंगे? ज़्यादा टेक्स तो मालिक के करम से मेरे, फिर भी जो सबसे ज़्यादा हुआ वो आपको ध्यान हो? नहीं, ऐसी नौबत आई नहीं मुझे। कितने टेक में हो जाता है कोई शॉट कंप्लीट? मैक्सिमम दो चार, तीन, दो पाँच, दो तीन चार में हो जाता है। दो तीन चार में हो जाता है। मैं थोड़ा सा होमवर्क करके काम करता हूँ। और फिल्मों के दौरान का कोई रोचक किस्सा जो आपको ध्यान हो कि हाँ यार फिल्मों में? अभी मैंने एक हालिया फिल्म की थी मंदरा जी। अच्छा, मंदरा जी से मुझे एक और चीज़ ध्यान आई। हमारे जो दर्शक हैं उनका अक्सर ये कमेंट होता है जब हम किसी छत्तीसगढ़ी फिल्मों के कलाकार का इंटरव्यू करते हैं कि भाई छत्तीसगढ़ी में बोलो ना, आप छत्तीसगढ़ी में क्यों नहीं बोलते, छत्तीसगढ़ी में बात क्यों नहीं करते? तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ी जो कलाकार हैं वो भी हक रखते हैं कि देश के जो अन्य राज्य हैं उनके जो लोग हैं वो भी उनके बारे में जानें। तो एक मकसद ये भी होता है हिंदी में बात करने का, क्योंकि हिंदी पूरा देश जानता है, पूरा देश समझता है। तो खैर, आगे की जो बातचीत होगी मैं करण खान जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो छत्तीसगढ़ी में बोलें, कम से कम मेरे सवाल हिंदी या छत्तीसगढ़ी में चलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोर सवाल ये है कि दाऊ मंदरा जी के बारे में जो आप मन बताते रहे हो वो का किस्सा है? मैं आपके बात ला आगू मैं हूँ महू बढ़ाऊँ कि मैं यहाँ अक्सर पूछैया मन हिंदी में पूछते, मैं यहाँ छत्तीसगढ़ी में जवाब देता हूँ। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि यूट्यूब एक ऐसा मंच है जिला सिर्फ छत्तीसगढ़ वासी मन नहीं बल्कि पूरा देशवासी मन देखते, विदेश दुनिया वाला मन भी देखते, तो बाहर वाला मन भी समझा है कि हॉलीवुड का है। वो मन तभी समझ पाई जब हमन हिंदी में बात कर बोन, जब हमन इंग्लिश में बात कर बोन, काबर के हॉलीवुड छत्तीसगढ़ के लोग तो जानते हैं कि हॉलीवुड का चीज़ है, लेकिन हमन ला पूरी दुनिया ला बताना है। एकर सेती कभू कभू हमन ला दर्शक मन के दिल अभी तोड़ेल पड़ते, अपन छत्तीसगढ़िया बोली, अपन छत्तीसगढ़िया भाखा जिन सबसे ज़्यादा मीठा है, जिन सबसे ज़्यादा दुनिया में प्यारी भाषा है, ओला छोड़ के हमन हिंदी में भी गोठिया थन वक्त के हिसाब से। ऐसी और स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाएं।